भाई आज के टाइम में ना मोबाइल खरीदने में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं बताता हूँ आप लोगों को भाई। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर आप लोग कोई मोबाइल खरीद रहे हो तो कौन सा खरीदें, ये है सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के टाइम में। अगर हमारे पास 10,000 रुपये हैं, 15,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये में एक रेंज सेट कर ली हम लोगों ने कि हमें 10,000 रुपये तक का मोबाइल लेना है या फिर हमें 20,000 रुपये तक का मोबाइल लेना है। अब भाई इतने सारे भर भर के ऑप्शन है आज के टाइम में, रियलमी, मोटो, सैमसंग, रेडमी, सब भरे पड़े हैं भाई, सब भरे पड़े हैं कि कौन सा लें, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। मतलब इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना भाई इस चीज़ को लेकर के। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ऐसी रेंज की मोबाइल लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। और ये रेंज ऐसी है ना भाई, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मोबाइल है इस रेंज में, ये रेंज है 10,000 रुपये तक की। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में 5 जबरदस्त मोबाइल, मतलब कि टॉप 5 मोबाइल जो कि 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में है या फिर कहो 10,000 रुपये तक की रेंज में है। और भाई ये मेरी पर्सनल राय है, टॉप 5 फोन जो मुझे अच्छे लगे भाई अंडर 10,000 वो मैं आज की वीडियो में लेके आया हूँ। तो आप लोगों का ना भाई कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि 10,000 रुपये से नीचे में कौन सा लें, कौन सा नहीं लें। मोबाइल तो बहुत सारे हैं, मैं कहूँगा भर भर के ऑप्शन है भाई। पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे 10,000 रुपये की रेंज में, अभी मैं कहूँ कुछ दिन पहले, और अभी तो भाई मतलब भरे पड़े हैं। फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजन ले लो, किसी ऑफलाइन स्टोर पे चले जाओ, भरे पड़े हैं भाई 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में। अब तो आइटल जैसी कंपनी पूरा जोर लगा रही है भाई 7,000, 8,000, 9,000 रुपये के मोबाइल पे। इन्फिनिक्स हो गया देख लो, इन्फिनिक्स नई नई कंपनियां भी आ गई है भाई इस रेंज में। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मजा आएगा। और वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई जो टॉप 5 में नंबर 5 वो मोबाइल है ना, और ये ऐसा नहीं है कि कोई फोन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है, ये मतलब टॉप 5 हैं भाई, अच्छे हैं ऑप्शन। टॉप 5 में मैंने 5 मोबाइल रखे हैं, तो जो 5 नंबर पे मोबाइल है वो है भाई मोटो का E13। वेरिएंट की बात करें तो 3 वेरिएंट में आता है, 2 64, 2 GB 64 GB, 4 GB 64 GB और 8 GB 128 GB। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें भाई 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। फुल HD प्लस नहीं मिलती है भाई, HD प्लस मिलती है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो भाई इसमें यूनिसोक का T606 का प्रोसेसर मिल जाता है। इसके कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का इसमें आप लोगों को रियर कैमरा मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट की तो भाई 5 मेगापिक्सल का इसमें आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है इसमें आप लोगों को। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है भाई ये मोबाइल, मुझे अच्छा लगा 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में ना। बात करूँ इसके प्राइस की तो जो इसका 2 GB 64 GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस है 5,999 रुपये, कुल 6,000 रुपये भाई। और ऑफर लगा के आप लोग इसको और थोड़ा सस्ता खरीद सकते हो, मैं कहूँगा 5,500 रुपये के आसपास आप इसको खरीद सकते हो भाई ऊपर लगा के गार्ड वार्ड का। और जो इसका 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया है 8,999 रुपये, मतलब कि 1 रुपये का मैं 9,000 रुपये से भाई 8 GB रैम मिल रही है आप लोगों को 9,000 रुपये में। तो भाई इसीलिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलते हैं भाई 4 नंबर की तरफ। तो 4 नंबर पर भाई सैमसंग का F13, ये भी 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में आता है। और भाई स्टोरेज की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 4 64 और 4 128, मतलब रैम आप लोगों को 4 GB मिलती है इसमें। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें आप लोगों को। बात करें इसके प्रोसेसर की तो भाई इसमें इनका ही सैमसंग का ही अपना एक्सिनोस का 850 का प्रोसेसर मिल जाता है। बात करें इसके कैमरे की तो ट्रिपल रियर कैमरा इसमें आप लोगों को मिल जाता है, 50 MP + 5 MP + 2 MP। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 8 MP कैमरा इसमें आप लोगों को मिल जाता है। एक अच्छी चीज इसकी और जो मुझे अच्छी लगी वो इसकी बैटरी भाई, 6,000 mAh की बैटरी मिल जाती है इसमें आप लोगों को, बड़ी बैटरी। और भाई इसके प्राइस की बात करें तो जो इसका 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 9,599 रुपये, मतलब कि वही 9,500 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा आप लोगों को, ऑफर लगा करके 9,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा इसमें। भाई 3 नंबर पे आता है पोको का पोको M5, ये भी 2 वेरिएंट में आता है, 4 64 और 6 128। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस की इसमें आप लोग को डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर मिल जाता है इसमें। बात करें इसके कैमरे की तो भाई ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इसमें आप लोग को मिल जाता है, 50 MP + 2 MP + 2 MP, 2 4 और 2 MP जोड़ लो तो और अच्छा लगेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 8 MP कैमरा मिल जाता है। और भाई बात करें इसकी बैटरी की तो 5,000 mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है। और भाई बात करें इसके प्राइस की तो जो इसका 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 8,499 रुपये, तो ये 8,000 के आसपास आप लोगों को ये पड़ जाएगा भाई। और भाई 2 नंबर पर आता है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था मोटो का G14, और भाई इसका अभी एक ही वेरिएंट आता है 4 GB RAM 128 GB ROM। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है इसमें आप लोगों को जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो भाई इसमें भी यूनिसोक का T616 का प्रोसेसर मिल जाता है। E13 में आप लोगों को 606 का मिलता है और इसमें आप लोगों को 616 का मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड कहूंगा इसको मैं। बात करें इसके कैमरे की तो भाई इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप आप लोगों को मिल जाता है, जो इसका मेन कैमरा है वो 50 MP का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 MP का। बात करें फ्रंट कैमरे की तो 8 MP का इसमें आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और भाई 5,000 mAh की इसमें आप लोगों को बैटरी मिल जाती है। और प्राइस की बात करें इसकी तो भाई इसका जो प्राइस है एक ही वेरिएंट है 4128 वाला, इसका प्राइस इन लोगों ने दिया 9,999 रुपये। और भाई फाइनली आता है नंबर 1, वो है रेडमी का 12।
भाई अभी ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इसका भी एक ही वेरियंट आता है 4GB RAM 128GB ROM। और भाई बात करें इसकी डिस्प्ले की तो 6.79 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी कहूंगा भाई, 6.79 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है भाई इसमें फुल HD प्लस की वो भी। और भाई प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio का G88 का इसमें आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाता है। बात करें इसके कैमरे की तो भाई ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप इसमें इन लोगों ने दिया है। जो इसका मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है भाई, 10,000 रुपये में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है आप लोगों को। जो तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है इसमें। बात करें इसके प्राइस की तो एक ही वेरिएंट है 4128 वाला, उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 9,999 रुपये, मतलब कि सारे मोबाइल भाई ये 10,000 रुपये से नीचे के ही हैं। अब ये टॉप 5 है मेरे लिए, अगर मुझे खरीदना हो 10,000 रुपये में मोबाइल तो भाई इन 5 में से ही मैं किसी को लूँगा। और भाई सभी मोबाइल्स मैंने 4G लिए हैं, सिर्फ 5G, कोई भी 5G मोबाइल नहीं लिया है मैंने इसमें। जैसे कि अभी Redmi 12 5G भी आया था, पोको का आया था, तो मैंने कोई भी 5G मोबाइल नहीं लिया है इसमें, क्योंकि भाई अभी टाइम लगेगा देखो 5G आने में, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मोस्टली सिटीज़ में तो आ गया, बट भाई जो गांव में रूरल एरिया है, गांव में दूर दूर तक वहां पे अभी पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा भाई 5G को। बाकी आप लोगों को भाई कौन सा मोबाइल अच्छा लगा इन पाँचों में से, या फिर कोई और भी ऐसा मोबाइल है जो आप लोग को अच्छा लगता है 10,000 रुपये के अंडर में आता है, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और भाई ये मेरा पर्सनल व्यू था, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि भाई आप लोग यही लो, मैं यही कहूँगा जो मुझे अच्छे लगे पाँचों मोबाइल वे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिए, ताकि आप लोग का भाई फायदा हो जाए, नुकसान ना हो भाई। कोई उल्टा सीधा मोबाइल ले लो, 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो रिसेंटली आई हैं भाई मार्केट में, बताया आप लोगों को, तो भाई किसी का नुकसान ना हो, यही मेरी कोशिश रहती है मेरी सारी वीडियोस में। तो बस भाई वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी पाँचों के पाँचों मोबाइल, जो भी आप लोग का फीडबैक है अच्छा बुरा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।